Yes, good afternoon everybody. Very good afternoon to all of you. कैसे हो आप लोग? All good? चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए. So that we can start the lecture. Come fast, जल्दी से दौड़ के आइए भैया, दौड़ के आइए. Yes, everybody. Hello जी, बोलो जी, कैसे हो जी? अरे ओ जी जी, सो देखो यार, बात अगर हम करें, यस एवरीबॉडी, हेलो, गुड आफ्टरनून. चलो एक बार सब लोग जब तक ज्वाइन करते हैं मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ. बेटा हाँ, तो देखो यार, हम लोग चैप्टर नंबर फोर कौन सा था? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे. मुझे एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये ऐसा मार्केट है जिसका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है. जितना हमारा फाइनेंशियल मार्केट डेवलप होगा उतने हमारे देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा. उतना हमारे देश का क्या होगा दोस्तों? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, करेक्ट है. अब सबसे पहला मुझे बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग अभी तक हमने क्या देखा था, कितने प्रतिशत है? सर 30.5% हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है सर. फिर HNI, दैट इज व्हाट, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है, जिनको हम HNIs बोलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, HNIs, वो कितने हो गए? 2697 हो गए. महाराष्ट्र ने क्या लॉन्च किया? पहला मोबाइल वॉलेट फैसिलिटी हम लोगों ने लॉन्च की है, ठीक है. फिर हम लोग आए थे बैंकिंग सेक्टर में. अच्छा हाँ, उसके बाद हमने देखा था कि रूरल बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, रूरल एरिया में बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए मुझे बताइए क्या किया गया, है ना. हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक लॉन्च करने का सोचा, वो बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है बेटा आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. ओके, जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है? बैंकिंग सेक्टर में सबसे अपेक्स कौन सा है दोस्तों? सबसे ऊपर कौन है कि भैया इनसे ऊपर कोई नहीं है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है यार बताइए? अगर हम बात करें अपेक्स इंस्टीट्यूशन की, तो कौन सा है बेटा आपका? RBI इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. RBI इज द व्हाट बेटा आपका? अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन. यस और नो बडी. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक में सबसे पहला बैंक क्या था? कमर्शियल बैंक. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक? टेल मी बेटा, कमर्शियल बैंक का इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक? तो सर, कमर्शियल बैंक का इंटेंशन ये है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, टू अर्न प्रॉफिट. द इंटेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक इज वेरी सिंपल, टू अर्न प्रॉफिट. सो सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें पहला है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनरशिप किसकी होती है? पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है. किसकी होती है दोस्तों? गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है. हाँ, है ना. एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा देखा था? SBI हमने देखा था. एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सा देखा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने एग्जाम्पल लिया था. देन सेकेंड वन हम लोगों ने देखा था कि भैया प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है, जिसमें प्राइवेट ओनर्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक है जिसके अंदर प्राइवेट शेयर होल्डर का ओनरशिप होता है. मोदी सर बोल रहे थे कि आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है. नहीं ना मोदी सर, कहाँ आता है क्रिकेट खेलना मेरे को? अपन अनाड़ी आदमी है भैया क्रिकेट में, क्या ही बताऊं मैं आपको. थर्ड वन देखा था हमने, क्या देखा था नेक्स्ट वन उसके बाद में देखा था बेटा फॉरेन बैंक. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन बैंक? फॉरेन बैंक मतलब ऐसा बैंक जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है. बोलो, हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है बट बिजनेस इंडिया में है. एग्जाम्पल HSBC बैंक हो सकता है, है ना, न्यूयॉर्क बैंक हो सकता है. तो इनको मेन चीज क्या है, इनको बोथ दी कंट्रीज के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे. इनको
बोथ दी कंट्रीज के क्या करने पड़ेंगे, लॉ फॉलो करने पड़ेंगे. दिस इज व्हाट फॉरेन बैंक. फिर हमने देखा था रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें, बताइए दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक जो है RRB, रीजनल रूरल बैंक. सर कल धोनी का सिक्स देखा? हाँ यार, मजा आ गया भैया, मजा आ गया भैया. ऐसा लग रहा है अभी धोनी फॉर्म में आ जाए तो अच्छा है यार. रीजनल रूरल बैंक की अगर हम बात करें तो ये जो है रीजनल रूरल बैंक, वो बेसिकली रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में लोन देता है. कहाँ लोन देता है? रूरल एरिया और व्हाट बेटा आपका सेमी अर्बन एरिया में क्या कर देता है दोस्तों, ये लोन देता है. करेक्ट यहाँ देखिए सुनो. अच्छा, रीजनल रूरल बैंक के बाद हम लोगों ने देखा था क्या ये डेबिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करता है. हाँ, ये बाकी सारी जो नॉर्मल बैंक की फैसिलिटी है वो सब प्रोवाइड करता है. पेंशन वगैरह का पेमेंट, पेंशन का पेमेंट वगैरह भी कहाँ से हो सकता है? रीजनल रूरल बैंक से पेमेंट होता है. ठीक है, फिर हमने देखा था स्मॉल फाइनेंस बैंक. सेकेंड वन हमने क्या देखा था? स्मॉल फाइनेंस बैंक. दोस्तों दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, जब हम बात करते हैं सर, लिंक इतने लेट सेंड की थी. हाँ, अभी तक मैंने कोई पढ़ाया नहीं है, कुछ सब रिवीजन ही करवा रहा हूँ बेटा, डोंट वरी. देन उसके बाद हमने देखा था स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम में ही है स्मॉल, AU फाइनेंस बैंक का एग्जांपल हमने देखा था. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो उन उन लोगों को लोन देती है जिनको बाकी बैंक लोन नहीं दे पाते हैं. करेक्ट, इट कवर्ड दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो अदर बैंक कवर नहीं करते हैं. इनके कस्टमर्स माइक्रो इंडस्ट्रीज, माइक्रो मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज, मार्जिनल फार्मर, है ना, सेमी अर्बन एरिया. तृप्ति बजाज ने पूछा सर सेमी अर्बन एरिया क्या होता है? देखो, अर्बन मतलब सिटी एरिया, है ना, रूरल मतलब विलेज एरिया, और सेमी अर्बन मतलब छोटी सिटी, बहुत बड़ी सिटी नहीं, छोटी सिटी. डूबेगा तो नहीं जल्दी? नहीं 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 डूबेगा बेटा. अच्छा देखो, बैंकिंग सेक्टर को वैसे आरबीआई डूबने नहीं देगी. अब यस बैंक में इतना फ्रॉड था यस बैंक में, बट स्टिल आरबीआई ने उसको क्या कर दिया, सर्वाइवल करवा दिया. क्यों जरूरी है यार, बैंक का अगर बैंक डूब जाएगी ना, आप सोचो बैंक के ऊपर से अगर लोगों का भरोसा उठ गया ना, तो हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है ना वो बहुत वीक हो जाएगा. तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो बैंक को आरबीआई डूबने नहीं देती है, उसको रिवाइवल के लिए स्कीम लेके आती है, रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ स्कीम लेके आती है. चले बड़ी नेक्स्ट वन. उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा था, आहा, ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक है सर, फेमा डिटेल में नहीं समझाओगे बेटा? फेमा इज द लॉ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये लॉ है बेटा. फेमा जैसे कंपनीज एक्ट है ना, वैसा फेमा एक्ट है. तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना, हम एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसको. मुझे बताइए जो आपके रीजनल, आपके जो पेमेंट बैंक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? फिनो बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेटीएम बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है. ये नए तरीके हैं भाई साहब. करेक्ट है. अब ये बैंक नॉर्मल बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा. नॉर्मल बैंक जो है लोन देता है, लेकिन पेमेंट बैंक लोन नहीं देगा. नॉर्मल बैंक में डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपीज जितना डिपॉजिट कर सकते हो. ठीक है, वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट देखा कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया? कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो बेसिकली है ना, हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे कोऑपरेटिव बैंक होता है. आपको कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल बताऊं, जनता सहकारी कोऑपरेटिव बैंक. ये देखिए, जनता सहकारी बैंक, देखिए अब देखिए दोस्तों, यार ये तो इधर का है. करेक्ट ना, ये तो इधर का है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट कोऑपरेटिव बैंक, दिस इज व्हाट बेटा आपका कोऑपरेटिव बैंक. सो कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखते हैं यार, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक है, है ना, मतलब इतने सारे कोऑपरेटिव बैंक है, मैं क्या बताऊं आपको. ठीक है, पीएमसी बैंक, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक, पता है ना, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक. तो बहुत सारे, ये देखिए डेटाबेस देखिए, इतने सारे कोऑपरेटिव बैंक है ना, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक बैंक मिल जाएगा, आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक मिल जाएगा बेटा. ये देखिए इतने सारे कोऑपरेटिव बैंक है ना. ये धनलक्ष्मी बैंक का नाम सुना होगा आपने, धनलक्ष्मी बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा. दिस इज नथिंग बट व्हाट बेटा आपका कोऑपरेटिव बैंक. तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो बेसिकली आपके क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स है. कोऑपरेटिव बैंक एक है अर्बन कोऑपरेटिव और दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव. अर्बन कोऑपरेटिव मतलब जो अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया मतलब सिटी एरिया में है. अर्बन एरिया मतलब दोस्तों कौन सा है, जो सिटी एरिया में है उसको बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. और दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो रिस्पेक्टिव स्टेट में काम करेगा, उसी स्टेट में काम करेगा, उसके बाहर जाके काम नहीं करता है, उसके बाहर जाके काम नहीं करता है.
ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। चलिए अब हम लोग आते हैं, इस चैप्टर का मैराथन कब होगी ये टॉपिक खत्म होने के बाद लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। गाइस बी रेडी फॉर दिस, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ? सुन्नाचे से। कोऑपरेटिव बैंक का कुछ काम अलग है? काम कुछ अलग नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर्स को ही लोन देती है, एरे गेरे नथू खेरे को लोन नहीं देती है, करेक्ट है ना। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है ना, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद में जनता सहकारी, वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही काम करती है, तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो रिस्पेक्टिव स्टेट में काम करती है। ओके बडीज, चलिए अभी हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कि बैंकिंग सेक्टर कैसे कैसे डेवलप हुआ। ओके नैन्सी, विल कंसीडर दिस रिक्वेस्ट। ओके ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर, कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से डेवलप हुआ, धीरे 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 किस तरीके से क्या हुआ है आपका बैंकिंग सेक्टर आपका बेसिकली डेवलप हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसके बाद में और कंसाइज करके लिखवा के दूंगा, डोंट वरी, इसके बाद मैं इसको और कंसाइज करके लिखवा के दूंगा, सुनना अच्छे से। सबसे पहले 1921 इज द क्लोज मार्केट, 1921 इज द क्लोज मार्केट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि भैया बैंक ओपन करने की परमिशन नहीं थी, हाँ बैंक ओपन करने की परमिशन नहीं थी, दिस इज द क्लोज मार्केट इन 1921। एक मिनट रुकिएगा, आशीष सर का कॉल आ रहा है, हेलो यस बड़ी, देखिए दोस्तों कंसंट्रेट करिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, देखो क्लोज मार्केट का मतलब समझिए एकदम आराम से, क्लोज मार्केट का मतलब क्या हो गया, नोट्स तो लिखवा दो सर, बिल्कुल नोट्स लिखवाते हुए चलूंगा, डोंट वरी, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं जो बोलता हूँ वो लिखवा दूंगा मैं आपको, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है बेटा। देखो क्लोज मार्केट का मतलब है ना आना बाबू हमारा देश, ना आना बाबू हमारा देश का मतलब कि भैया आपको यहां पे बिजनेस करने का परमिशन नहीं है, यू कांट डू बिजनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन बैंकिंग सेक्टर, आप बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते 1921 के टाइम पे, आप बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब बैंक ओपन करने का परमिशन नहीं था, करेक्ट है आपके, सुनो तो बैंक ओपन करने का परमिशन 1921 में था नहीं था, दिस इज द क्लोज मार्केट। एक ही बैंक हुआ करता था जिसको हम बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ एक ही बैंक था उस टाइम पे जिसको हम बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट है, उसके बाद कुछ भी नहीं, ना बाबा ना, इल्ले नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, करेक्ट है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आशीष पटेल कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आशीष पटेल हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, आप लेक्चर्स देखिए पूरा, रिविजन अटेंड करिए, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखो एक क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में आता है कि सर कैन बी पास सीएसईटी बाय जस्ट स्टडिंग लाइक 20 डेज 25 डेज, यस डेफिनेटली यू कैन बेटा, करेक्ट है ना, डेफिनेटली यू कैन डू इट बेटा, वो बोलते हैं ना व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है बेटा। तो नोट्स के बाद मॉड्यूल इंपोर्टेंट करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ बहुत कचरा भरा हुआ है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, जितना मैं करवा दूँ उतना मोर देन इनफ है, और अभी तक तुम लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगवाई, अटेंडेंस लगवा दो भैया जल्दी से, बाय लाइकिंग द लेक्चर, लेक्चर लाइक करके उसका अटेंडेंस लगवा दो यार, ऐसे ना करो भैया, कर दो यार जल्दी से अटेंडेंस लगवा दो यार। ओके वॉल्यूम फुल है बेटा रशिका, वॉल्यूम तो फुल एकदम फुल है यहाँ पे, कसम से तेरी कसम फुल है वॉल्यूम, यस बड़ी। So, देखो यार, देखो कोई दिक्कत नहीं है, 1921 इज द क्लोज मार्केट है ना, 1921 इज द क्लोज मार्केट, ठीक है।
ओके, उस टाइम पे एक ही बैंक हुआ करता था, दैट इज व्हाट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज लेटर ऑन कन्वर्टेड इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो इंपीरियल बैंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, SBI में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरा लेक्चर पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है बेटा. सो अब स्टेट ओन्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1935 में क्या हुआ बताएं, इंपीरियल बैंक को हमने क्या कर दिया, उसके काम को हमने खत्म किया और हमने बोला कि आरबीआई क्या करेगा, अभी आरबीआई सेंट्रल बैंक होगा भारत का. आरबीआई क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल, सेंट्रल क्या होगा, बैंक होगा. आरबीआई को हमने बोला है, पहले सारा काम गवर्नमेंट का सारा काम कौन देखता था, इंपीरियल बैंक देखता था. 1955 में कौन आ गए, अब्बा जी जो क्या बजाते हैं, बैंकिंग सेक्टर को बजाते हैं, मतलब आरबीआई आ गया. कहने का मतलब क्या है, आरबीआई आ गया और आरबीआई ने आके बोला इंपीरियल बैंक को, चल पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल, जल्दी से बोलो. तो देखो 21 में क्लोज था, 21 में क्लोज था मतलब कोई भी बैंक स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना, प्राइवेट लोग बैंक स्टार्ट करने का परमिशन नहीं था. 21 में क्लोज मार्केट था. 1955 में क्या आ गए दोस्तों, आरबीआई आ गए. 1955 में कौन आ गया, आरबीआई आ गया, उसने बोला निकलो बेटा. चलिए फिर क्या हुआ, 1936 से लेके 1955 इंपीरियल बैंक जो है, देखो बात समझो, पहले गवर्नमेंट का सारा काम कौन संभालता था, इंपीरियल बैंक. लेटर ऑन उसका काम, गवर्नमेंट का काम अब कौन संभालने लग गया, आरबीआई. लेकिन इंपीरियल बैंक बिजनेस कर रही थी और इंपीरियल बैंक ने क्या किया मालूम, इंपीरियल बैंक ने 480 ब्रांचेस स्टार्ट कर दिए और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, SBI. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड इंटू विच बैंक, इंपीरियल बैंक इज कन्वर्टेड इंटू विच बैंक. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, इंपीरियल बैंक इज कन्वर्टेड इन विच बैंक, कौन से बैंक में कन्वर्ट हो गया इंपीरियल बैंक, तो इंपीरियल बैंक इज कन्वर्टेड इन टू वॉट बेटा, आपका SBI. ये क्वेश्चन आता है. कनिश यार देर इज अ प्रॉब्लम इन द वेबसाइट, एक्चुअली अपना वेबसाइट 2-4 दिन से बंद है, आपको देखा होगा लेक्चर भी अपलोड नहीं हुए, आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे लेक्चर्स भी. ठीक है, सो इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड इन टू वॉट बेटा, आपका SBI में हमने कन्वर्ट कर दिया गया. फिर 1956 से लेकर 2000 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ. सुनो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब क्या है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब क्या, सुनना, नेशनलाइजेशन का मतलब, नेशनलाइजेशन का मतलब उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास आना. नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि बैंक का जो कंट्रोल है वो किसके पास आ जाता है, गवर्नमेंट के पास आ जाता है, उसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन. उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेशनलाइजेशन. यार ये आता है भैया मालूम, ये आता है बेटा 1969, याद रखो 69 इज योर फेवरेट फिगर है ना. 1969 में हमने 14 बैंक्स को, कितने बैंक्स को, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया. नेशनलाइज किया मतलब उसका कंट्रोल किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया. करेक्ट है, तो नेशनलाइज का मतलब हो गया कंट्रोल किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया. याद रखना, अब मैं आपको पूरा का पूरा याद कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए बेटा, टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा बेटा. बोलना 21 में मुझे कुछ करने नहीं देते थे, मेमोरी टेक्निक देखो, जब मैं 21 साल का था मुझे करने नहीं दिया, 35 में फिर करने दिया, मतलब RBI आ गई. हाँ या ना, यस और नो, करेक्ट है. 55 का होते होते मैंने बहुत किया. सुनो सुनो सुनो, कॉन्सेंट्रेट करना. 21 में क्या हुआ सबसे पहले बताओ, 21 में मुझे करने नहीं देते थे, मतलब 1921 में क्या बैंकिंग सेक्टर क्लोज था, कीर्ति क्लोज मतलब कोई बैंक होता ही नहीं था, सिर्फ एक ही बैंक था इंपीरियल, बाकी कोई भी बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर सकता. क्लोज का मतलब होता है कि यू कांट ओपन द बैंक. तो 21 में मुझे करने नहीं दिया, 21 में मुझे करने नहीं दिया, ठीक है. हाँ है ना, फिर क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, 35 में मैं कर रहा हूं, मतलब आरबीआई आ गया ना, 35 में आरबीआई आ गया, आरबीआई एक्ट, और उसने सेंट्रल बैंक का काम कर लिया. अच्छा 55 में, 1955 तक आते आते इंपीरियल बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस हो गए. 1936 से लेके 1955 के बीच में इंपीरियल बैंक के 400-500 ब्रांचेस, 480 ब्रांचेस हो गए बेटा. करेक्ट है, यस और नो, तो 480 हो गए भैया, वाह 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 बेटा.
इंपीरियल बैंक किसमें कन्वर्ट हो गया, बाद में एसबीआई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कन्वर्ट हो गया एसबीआई में। फिर 1956, मैं बता दूं 1969 में हमने ना 14 बैंक को क्या किया, नेशनलाइज किया, और बचे हुए 6 बैंक को 1980 में नेशनलाइज किया। ये आपको दो जगह काम आएगा, करंट अफेयर में भी काम आएगा आपको। करंट अफेयर में आपको जो सेकंड चैप्टर है ना उसके अंदर आता है भैया, करंट अफेयर में आपका जो सेकंड चैप्टर है ना फाइनेंशियल अफेयर, उसके अंदर भी पूछ लेते हैं कि 1969 में कितने बैंक को नेशनलाइज किया, तो आंसर आएगा 14 बैंक। फिर 1980 में कितने बैंक को नेशनलाइज किया, तो आंसर आएगा बेटा कितना, 6, है ना, 6 बैंक को नेशनलाइज किया, करेक्ट है। वहां पे भी आपको पूछा गया था, तब स्वामी बेबी ने बहुत ही शिद्दत के साथ एकदम सॉफ्ट टोन में, एकदम ब्लू कलर का, सॉरी पर्पल कलर का शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के बहुत ही सॉफ्ट टोन में आपको बताया होगा कि दोस्तों इरशाद करिए इरशाद, कि 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया एंड 1980 को 6 बैंक में, 1980 को 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। यस और नो, करेक्ट है, करेक्ट है, यस बेटा पूर्वा, यस अपूर्वा, यस अपूर्वा, करेक्ट है। फिर देखो क्या हुआ, अराउंड 1980s में हमने प्राइवेट बैंक को एंट्री दे दी। यहां पे आईसीएसआई, देखिए तन में आईसीएसआई, मन में आईसीएसआई, तो उधर भी टाइपिंग में भी आईसीएसआई आ गया। 1949 में आरबीआई ओनली है ना, नहीं 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 बेटा, बहुत बैंक हो गए थे 1949 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, 69 आते आते 14 बैंक को हमने नेशनलाइज कर दिया। अच्छा सुनो ना, बहुत भारी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत भारी बात बता रहा हूँ। प्राइवेट बैंक को एंट्री मिल गई, और प्राइवेट बैंक क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, आप लिखोगे आई, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ, फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आईसीआईसीआई, इको की ई ब्लॉटिंग करेंगे ICSI, ठीक है। यहाँ पे बात सुनो, अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक में, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या लेके आ रहे हैं, इंप्रूव लेके आ रहे हैं। अच्छा फिर एक और आ सकता है, 2000 में क्या हुआ सुनना, 2000 में क्या हुआ सुनना अच्छे से, कि कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, ये एनबीएफसी थी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी का मतलब क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आपने वो ऐड देखी है क्या, आपने घर वो ऐड देखी है, घर में पड़ा है सोना फिर काहे का है भिंडी रोना, हाँ है ना, घर में पड़ा है सोना तो काहे का है रोना, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, ये सब है एनबीएफसी, मतलब जो कंपनी है जो बैंक जैसा काम करती है, कंपनी है जो बैंक जैसा काम करती है। तो क्या हुआ, पहला एनबीएफसी मतलब कोटक महिंद्रा जो था, कोटक भाई साहब ने, आज हम कोटक बैंक बोलते हैं ना, कोटक बैंक, तो वो पहले एनबीएफसी हुआ करता था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हुआ करता था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, अब वो बैंक में कन्वर्ट हो गया है। तो विच वॉज द फर्स्ट एनबीएफसी जो कन्वर्ट हो गया किसके, किसमें, बैंक में, तो एनबीएफसी कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड एनबीएफसी थी जो कोटक बैंक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है सर, ओके। गवर्नमेंट रिमूव बैंकिंग कैश, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्या होता ना टैक्स लगा दिया था, दिया क्या बोल रही है, अब की बार अब्बर सर की सरकार, जय हो सरकार, जय हो महाराज, जय हो, जय हो महाराज, जय हो। तो देखो एक बार आराम से कैसे लर्न करेंगे बताते हैं, बताइए 21 में क्या था, क्लोज मार्केट, बोलो ना 21 में क्या था, क्लोज मार्केट, वेरी गुड। फिर 35 साल का जब मैं हुआ तो क्या आ गया, आरबीआई आ गया। जब मैं 21 का था तब मुझे करने नहीं मिला तो क्लोज मार्केट था, जब मैं 35 का हुआ आरबीआई आ गया। 55 में सुनना, 55 में आते आते मैंने बहुत किया, मतलब इंपीरियल बैंक के 480 ब्रांचेस हो गए, इंपीरियल बैंक के 480 ब्रांचेस हो गए, बराबर है। उसके बाद मैं बताऊं कि 1969 में, मतलब मैं जब 69 का हुआ तो मुझे कन्वर्ट कर दिया गया, तो 69 में 14 बैंक्स को कन्वर्ट किया गया, 69 में 14 बैंक्स को कन्वर्ट करना किया गया। फिर बचे हुए 1980s में 6 बैंक को और हमने कन्वर्ट कर दिया, 6 बैंक को हमने और कन्वर्ट कर दिया इनटू द व्हाट बेटा आपका। फिर क्या हुआ 2000 में, देखो 1990s की टीम में पहला प्राइवेट बैंक आया, अब प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई, प्राइवेट बैंक कौन सा था, आईसीआईसीआई। फिर एक ऐसा हुआ एनबीएफसी को कन्वर्ट किया गया, वो कौन सी एनबीएफसी थी, कोटक वाली जो एनबीएफसी थी उसको बैंक में हमने कन्वर्ट किया। फिर एक कुछ बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन आया था जो रिमूव कर दिया वापस से,
रिमूव कर दिया 2009 में, और 2018 में फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी, डॉलर आ डॉलर आ डॉलर आ, दिखाता है मैं तेरे को, दिखाता है मैं तुमको, फॉरेन करेंसी दिखाता है मैं तुमको, एक मिनट रुकिएगा, ये कैमरा क्यों क्या हुआ रे, हौले जैसा, ये हौले जैसा क्या हुआ इसको, कैमरा को एक मिनट रुको, कैमरा को ठीक करने दो। आरबीआई कौन से एक्ट से आया बेटा, आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 से आया, पता है ना है? अरे स्वामी बीवी ने पढ़ाया था, झूठ मत बोलो, मैंने झापड़ लगा देनी है तुमको झूठ बोले तो। एक मिनट रुकना, ये बंद क्यों हो गया है भैया, कैमरा क्यों बंद हो गया हमारा, एक मिनट रुकना, कैमरा बंद हो गया। इंपीरियल बैंक बेटा अभी एसबीआई बन गया, इंपीरियल बैंक बेटा अभी एसबीआई बन गया। तृप्ति बोली सर मॉड्यूल से कहां पढ़ा रहे हो बताओ ना, बताएंगे बताएंगे, एक मिनट रुको बताएंगे आपको, डोंट वरी, रुको एक मिनट, मुझे कैमरा ऑन करने दो पहले। हाँ जी, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। सर प्राइवेट बैंक, सर मींस आप जो कन्वर्ट की बात कर रहे थे 1980 में कन्वर्ट किया मतलब नेशनलाइज किया, हाँ बेटा नेशनलाइज हो गया, नेशनलाइज हो गया। अच्छा फॉरेन रिजर्व क्या होता है, फॉरेन रिजर्व क्या होता है सुनो, फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व का मतलब क्या हो गया, फॉरेन करेंसी। चाबी चलिए, फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन रिजर्व। अब यार देखो किसी ने क्वेश्चन किया, ये देखो रिचा का क्वेश्चन है, सर एग्जाम सिल के पहले सिलेबस खत्म तो हो जाएगा, अरे हाउ बहू, अरे हाउ जी बिल्कुल हो जाएगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है फॉरेन रिजर्व में बताता हूं आपको, जाने दीजिए, फॉरेन रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी। ठीक है अब अगर हम बात करें टोटल बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, 12। मर्जर हो रहा है, मर्जर मतलब शादी, मर्जर मतलब शादी, पता है ना मर्जर का मतलब क्या होता है, शादी। एक कंपनी थी जिसका नाम है शीला लिमिटेड, एक का नाम था की जवानी लिमिटेड, दोनों का मर्जर हो गया और क्या बन गया, शीला की जवानी लिमिटेड, शीला की जवानी लिमिटेड। ये देखो इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी, भैया बहुत डॉलर है अपने पास, तुमको चाहिए तो फोन कर देना, मेरे को भेजा देंगे सबके घर पे। ये देखिए फॉरेन करेंसी मतलब अदर देन इंडियन करेंसी, देखो कितना डॉलर है, इधर आओ जरा, अपना सर तुम्हारे तुम्हें नजर ना लगे, इधर आओ जरा, इधर आओ, तुम्हारे सर के ऊपर से घुमा देता हूँ मैं, वेरी गुड बेटा, और गरीबों में बांट देता हूँ, ये लीजिए, सॉरी वाइफ को देना, गरीब को नहीं देना है, ओके चलिए। ओ भाई हाँ बेटा संजय ना, यस बेटा इंपीरियल बैंक एसबीआई में कन्वर्ट हो गया। ओके बेटा चलिए कोई दिक्कत नहीं, सी देखो यार, एक था शीला लिमिटेड, एक था जवानी लिमिटेड, दोनों का मर्जर हो गया, बन गया शीला की जवानी लिमिटेड। ठीक है देखो यार हमारे यहाँ पे जो शादी होती है ना, तो हम अपने लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, लॉ की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मर्जर, मर्जर मतलब दो कंपनी एक होना। जैसे एक था खली लिमिटेड, एक था बली लिमिटेड, दोनों मिलके क्या बन गए, खली बली लिमिटेड, है ना, क्या बन गया दोस्तों, खली बली लिमिटेड, हाँ है ना, क्या बन गया, खली बली लिमिटेड, यस और नो। चलिए वेरी गुड बेटा, सो एट प्रेजेंट इंडिया में मर्जर के बाद में पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, मतलब पब्लिक बैंक, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक मतलब जिनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक कितने हैं, 12। प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्चुअली 21 है, 22 नहीं है, अभी कितने हैं, 21 है, अभी कितने दोस्तों, 21 है बेटा, 21 है। नोट्स लिखवाएंगे, नोट्स लिखवाएंगे, पहले एक बार पढ़ लो पूरा। करेक्ट है, सो प्राइवेट बैंक कितने हो गए, 21। फॉरेन बैंक कितने हैं, 44।
फॉरेन बैंक कितने दोस्तों 44, रीजनल रूरल बैंक कितने 56, रीजनल रूरल बैंक कितने दोस्तों 56, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1542 एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक 94384। इतने सारे बैंक है भैया, यूनिवर्सल नहीं, इंपीरियल बैंक बेटा। इंपीरियल बैंक बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंपीरियल बैंक भारत का ही बैंक था। अरे भारत के लोगों का ही पैसा था, उसको बंद कैसे कर सकते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट का फंक्शन अब आरबीआई करती है, और इंपीरियल को हमने एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया। आज सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई। उसको कैसे बंद कर सकते थे बेटा? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर। अब इसके नोट्स लिख लीजिए, आप इसके ले लीजिए, लिख लीजिए नोट्स। बढ़िया, गो फॉर इट, नोट्स लिख लीजिए बेटा इसके। बढ़िया, तो क्या होगा आपका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे बताओ लास्ट में मैंने कहां तक लिखवाया आपको? यस, ये करंट डेटा है बेटा। मुझे बताइए लास्ट में मैंने कहां तक लिखवा दिया था आपको, उसके आगे लिखवा देता हूं। कहां तक लिखवा दिया था मुझे बताइए। प्राइवेट में एचडीएफसी बेटा, प्राइवेट में बेटा ये है। हाँ बेटा, थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा डेटा है। लास्ट में रीजनल रूरल लिखवा दिया, पेमेंट बैंक तक लिखवा दिया। ठीक है, पेमेंट बैंक तक लिखवा दिया ना? ओके, पेमेंट बैंक तक लिखवा दिया आपको। वेरी गुड बेटा, आरआरबी लिखवा दिया। चलो ठीक है, ये नहीं लिखवाया क्या बताओ? रीजनल रूरल बैंक लिखवा दिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं लिखवाया क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखवाया क्या? स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बताइए। स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमसीक्यू करेंगे बेटा। प्राइवेट बैंक बेटा 21 है बेटा, 21, 20 नहीं है, 21 है बेटा प्राइवेट बैंक। कोऑपरेटिव हो गया ना, चलिए। पेमेंट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया। सर ये हम सीएस बनने के बाद में काम काम में आएगा, इतना ज्यादा तो काम में नहीं आएगा सीएस बनने के बाद, ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अभी लिखिए बैंकिंग सेक्टर। चलो हेडिंग दीजिए बैंकिंग सेक्टर, हेडिंग दीजिए बैंकिंग सेक्टर। अगर इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो एक पे छोड़ देना। अभी हेडिंग दीजिए आप बैंकिंग सेक्टर को लेके, बैंकिंग सेक्टर में आइए बेटा। बैंकिंग सेक्टर में लिखिए 1921 क्लोज मार्केट, 1935 क्लोज मार्केट, क्लोज मार्केट के बाद में लिखना सेंट्रल बैंक वॉज इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। सेंट्रल बैंक वॉज व्हाट बेटा आपका? इंपीरियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक वॉज, बैंक वॉज इंपीरियल बैंक। 1935 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आपका कौन आ गया भैया? आरबीआई आ गया, करेक्ट है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? आरबीआई।
ठीक है, सो स्टैब्लिश बाय आरबीआई, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन लिखिएगा इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड टू, कन्वर्टेड इंटू एसबीआई। वो बोला सर फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन से इसमें आए, सर आज आज मेरे एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करे, आज से मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। हे परीक्षा, सर इन्हें लिखने की जगह प्रिंट आउट कर लें, चलेगा प्रिंट आउट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट कर लोगे तो भी चल जाएगा। सो इंपीरियल बैंक वॉज कन्वर्टेड इंटू एस बी आई। फिर 1969 में क्या हुआ, 14 बैंक वॉज नेशनलाइज, मैं एकदम क्रक्स कर, क्रक्स एकदम उसका क्रक्स दे रहा हूँ बेटा, एकदम क्रक्स दे रहा हूँ जो आ सकता है एग्जाम में। 1980 सिक्स मोर बैंक वॉज नेशनलाइज, फर्स्ट प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, ICICI बेटा, ICICI पहले लिख लो बेटा, लिख लो बाद में डाउट पूछना। से सर इंपीरियल बैंक एसबीआई में कब कन्वर्ट हुआ, 1955 में बेटा, 1955 में फर्स्ट एनबीएफसी, एनबीएफसी कन्वर्जन, कोटक, कोटक फर्स्ट एनबीएफसी कोटक। नहीं अंधेरी कोई कन्वर्ट, कोई चीज नहीं। फर्स्ट प्राइवेट बैंक कब आया, फर्स्ट प्राइवेट बैंक आपका आया था 1994 ना, एक मिनट, चलिए फर्स्ट एनबीएफसी कन्वर्जन कोटक। सर 1955 तक इंपीरियल बैंक के 480 ब्रांचेस वो लिखवाया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, कनिष शर्मा जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नहीं लिखवाया। सर मेरे मे वाले नोट्स में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यू कैन रेफर दैट नोट्स ओनली, यू कैन रेफर दैट नोट्स ओनली बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। Now we are moving further towards the what बेटा, आपका आगे बढ़ रहे हैं बेटा म्यूचुअल फंड। ये आपने म्यूचुअल फंड का तो एड सुना ही सुना है, म्यूचुअल फंड का तुमने एड सुना तो सुना ही सुना है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ये 2000 में कन्वर्ट हुआ था ना, यस 2000 में कन्वर्ट हुआ था, स्वामिनी स्वामिनी जगताप जी, ये 2000 में कन्वर्ट हुआ था। ये जो डेटा है बैंक की वो याद रखना है बिल्कुल, ये डेटा जितना एटलीस्ट मैंने लिखवा के दिया उतना लर्न करना है, क्योंकि ये सेम चीज आपको फाइनेंशियल अफेयर में भी आ सकती है, ये सेम चीज आपको कहां पूछे जा सकती है, फाइनेंशियल अफेयर मतलब करंट अफेयर में भी आ सकती है, दो जगह आ सकती है भैया, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए याद रखना बहुत जरूरी है। सर लिखना बाकी है, ये लीजिए जिनका लिखना बाकी है जरा लिख लीजिए बेटा फास्ट। अच्छा हाँ, टोटल बैंक लिख लीजिए, टोटल बैंक लिख लीजिए, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, कितने हो गए 12 मर्जर के बाद 12। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक हो गए 21 मर्जर के बाद हो गए 21। ठीक है, फॉरेन बैंक 44, टोटल फॉरेन बैंक इन इंडिया कितने हैं 44, इसमें कोई चेंजेस
अभी एक्चुअली 46 हो गए हैं, है ना, ये डेटा 46 हो चुका है। गूगल कर रहे हैं एक बार, मैंने गूगल कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं वापस से। अभी ये 46 हो गए है ना, एक मिनट देख लेते हैं। श्री श्री टोटल फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, श्री श्री कुछ और ही बोली, श्री नंबर ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, ये देखिए लिस्ट ऑफ। अच्छा यार ये श्री ना थोड़ी बेवफा है अपनी, सर टी शर्ट नहीं दी थी आपने मुझे, दे देंगे यार। सर आपके नोट्स में लिखा है 1980, सर नोट्स में लिखा है फर्स्ट प्राइवेट बैंक 1980 में आई थी। एक मिनट बेटा सिमरन, आपके इसमें आ जाते हैं। बेटा 14 वो पब्लिक बैंक थे, 14 जो प्राइवेट बैंक, सुनना है, 14 जो बैंक थे, छोटे मोटे बैंक थे, उनको हमने नेशनलाइज किया, उनको अपन ने नेशनलाइज किया, ठीक है ना। सर प्राइवेट 12 है या 20 है, बेटा प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक भाई, ये देखो लिख लो पहले इसको, पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल 12 है, प्राइवेट बैंक 21 है, और अभी फॉरेन बैंक एक्चुअली 44 से 46 हो चुके हैं। 44 से कितने हो चुके हैं, 46 हो चुके हैं बेटा। चलिए 20 था पहले बेटा, पहले 20 था, अब मर्जर के बाद 12 बचा बेटा। पब्लिक सेक्टर बैंक पहले कितने थे, 20 थे, अब वो चेंज हो गए, कितने हो गए, 12। मर्जर हुए ना बहुत सारे बैंक, अगर आप देखोगे ना, आपके यहाँ पे कैनरा बैंक मर्ज हो गई, सिंडिकेट बैंक में मर्ज हो गई, कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो गई, मर्जर हुआ, तो मर्जर होने के बाद में 12 बचा हुआ है, ठीक है। प्राइवेट बैंक कितने, 21, फॉरेन बैंक 44 है, लेकिन अभी लेटेस्ट कितने हो गए, 46 हो गए। अर्बन और ये वाले पे इतना डेटा से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, इट्स थोड़ा सा डेटा बेस्ड। अब डेटा है उसको अपन क्रिप नहीं कर सकते, डेटा है डेटा है डेटा है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी डोंट हैव एनी चॉइस। तो वी शुड, ऑब्वियसली बात है, करना ही पड़ेगा अपने को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अपने को करना ही पड़ेगा बेटा। सर एग्जाम में कितना लिखेंगे, अगर 46 ऑप्शन ही नहीं दिया है तो 44 लिख देना, तो कितना लिख देना, 44 लिख देना, डन। चलिए अब आते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक की, अगर हम बात करें एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मैंने एग्जांपल दिया आपको मुथूट फाइनेंस, ये एनबीएफसी है, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करती है उनको एनबीएफसी बोलते हैं। सर फर्स्ट प्राइवेट बैंक तो आईसीआईसी था, तो 14 बैंक थे वो नेशनल होने से पहले, अरे 14 नहीं, वैसे तो बहुत सारे बैंक थे, बहुत सारे बैंक थे, लेकिन उसका जो कंट्रोल है मोर एंड लेस किसके पास हुआ करता था, गवर्नमेंट या किसी बैंक, कोई बैंक उसको एस्टैब्लिश करती थी। और प्राइवेट बैंक का मतलब उसका पूरा कंट्रोल ही पूरा का पूरा प्राइवेट शेयर होल्डर के पास है, और हमने 1990 के बाद में उसको क्या दिया, एंट्री दे दिया बेटा। अनुराग बोला सर एग्जाम के टाइम पे कॉल उठा लेना, ठीक है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, सर दोनों दिए तो 46 लिख देना, लेटेस्ट लिख लेना। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें दोस्तों, कॉन्सेंट्रेट करना, म्यूचुअल फंड आपने नाम तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड तो नाम तो सुना ही होगा, हाय है ना। चलिए एक काम करते हैं, म्यूचुअल फंड अपन कल करते हैं, रुक जाते हैं आज के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, रुक जाते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, बाकी की बातें अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए बड़ी वेरी गुड, देखो रोज का रोज डेटा मैं बताता हूँ आपको, एक स्मॉल ट्रिक बताता हूँ मैं, स्मॉल ट्रिक, मेक अ स्मॉल टारगेट, छोटा टारगेट बनाओ कि दो दिन में मुझे इतना याद करना है, क्या करो भालू। एनबीएफसी भी सुनना अच्छे से, अगर हम बात करें मेक अ स्मॉल टारगेट, छोटे टारगेट बनाओ, अगर हम ऐसा ना बड़ा टारगेट बनाते ना एक बार अपन जो बड़ा टारगेट सोचते हैं ना कि एक महीने में खत्म कर दूंगा, ये खत्म कर दूंगा, नहीं भैया, दो दिन का, तीन दिन का टारगेट बनाओ,
कि दो दिन में लेट से सर ने इंडियन फाइनेंशियल बजट बना दिया, इंडियन यूनियन बजट पढ़ा दिया है, वो एक बार खत्म कर दूंगा पढ़ के, रीड करके उसको खत्म कर दूंगा। फिर तीन दिन में या चार दिन में इंडियन फाइनेंशियल मार्केट जैसे ही होगा उसके तीन चार दिन में उसको लर्न कर लूंगा। लर्न जब भी करो ना, एक बार पहले रीडिंग करो, पहले एक बार रीड करोगे, ठीक है? रीड करने के बाद उसको लर्न करने के लिए जाओगे, ठीक है? एक बार रीड करोगे, रीड करने के बाद उसको लर्न करने जाओगे, और लर्न करने के बाद वो एक बार आईज क्लोज करके देखोगे कि वो याद हुआ कि नहीं हुआ, और जहां अटक जाओ वो वापस से एक बार रीड करोगे। तो वन मतलब वो तीन वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला? तीन वाला फॉर्मूला यूज करना है बेटा। कि एक साथ तीन बार होना चाहिए, और जब वो तीन बार होगा ना एक साथ, बिलीव मी और नॉट कवर हो जाएगा। सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को भी आरबीआई के रेगुलेशन लगते हैं और कंपनीज एक्ट भी लगता है, कंपनीज एक्ट भी उनको रेगुलर करता है, करेक्ट है? चलिए बड़ी, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, विल सी या, कल मिलते हैं। कल म्यूचुअल फंड खत्म करेंगे, ठीक है? कल क्या खत्म करेंगे? म्यूचुअल फंड खत्म करेंगे एंड इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट कर देंगे, इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, विल सी या वेरी सून। और ये करके देखोगे तो मजा आएगा आपको। एनबीएफसी मतलब जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा काम करती है। मैंने एग्जाम्पल दिया मनप्पुरम लोन, आपको लोन देती है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती आपसे लेकिन लोन देती है बेटा। एनबीएफसी पूछ रहे हैं बेटा, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंकिंग जैसा काम करती है, जैसे ये लोन देने का वगैरह काम करती है आपको। मनप्पुरम गोल्ड लोन, आपको गोल्ड लोन देती है, लोन कौन देता है? बैंक। ये भी वही काम कर रहे हैं, करेक्ट है? और ये कंपनी है इसलिए कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है बेटा एनबीएफसी। सीलॉ की क्लास मंडे से स्टार्ट करेंगे, सीलॉ का क्लास